अबे जॉर्ज पूल में भाई साहब हीलिंग और गन का नाम मिलना ये तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको गन मिल जाती है तो हीलिंग नहीं मिलती, हीलिंग मिल जाती है तो गन नहीं मिलती, मतलब सब कुछ तो ये नहीं देता। लेकिन फिलहाल गाइस की बात करें तो गाइस आज के साथ इतनी अच्छी कि गन मिल जाती है लेकिन गाइस हीलिंग नहीं मिलने वाली। फिलहाल की बात करते हो वहां पर एक स्क्वाड के तीन बंदे ठेला दिए हैं और एक बंदा ऐसे इस तरफ भगा है। बेल में तुम्हें सही बताऊं तो ऐसे मैं कई बार मरा हूं, मेरी भी ऐसी दुविधा होती है, लेकिन फिलहाल की बात भी हमने फिलहाल इन बंदों को भर दिया। लेकिन जैसे इस तरफ आता हूं भाई इतनी जल्दी यहां पे सामने की तरफ से भाई सही में एचपी मेरी कुछ ज्यादा ही कम, टीममेट नॉक है और क्या अब मैं सरवाइव कर पाऊंगा। अब यार जैसे तैसे यहाँ पे एक बंदे को नॉक करके फिनिश डाल दिया और मुझे लगा ये बंदा थोड़ा सा पीछे की तरफ है, तो मेरे टीममेट को मैं पास में बुलाता हूँ और जल्दी से उसे जो रिवाइव देता हूँ। और इतने में सोनिक पावर के थ्रू मुझे पता चल चुका है सामने की तरफ लेफ्ट में दो बंदे हैं अभी भी, वो भी दूसरी स्क्वाड के। तो फिलहाल के यहाँ पे एक मॉली थी वो मैं फेंकने जा रहा होता हूँ, लेकिन इतने में टीममेट बोलता है उसके पास कोई भी गन नहीं है, तो मेरे पास थी एक एक्स्ट्रा में शॉट गन, तो मैंने वो उसे दी। और उसके बाद भाई साहब अब सामने फेंक दी मॉली। अबे जिसके चलते मैंने यहाँ पे एक बंदे को तो फिनिश कर दिया, लेकिन उसका दूसरा टीममेट है शायद उसकी एचपी वैसी कुछ ज्यादा ही कम होगी, इस चक्कर वो पीछे मुड़ के तो देखने का नाम ले ही रहा था और चली गया आगे की तरफ। फिलहाल जो मैं यहाँ पे मैं हीलिंग का सामान तब भी नहीं मिला, लेकिन हाँ इतना है यहाँ से मिला ये UMP9। अब ये UMP9 कितनी खतरनाक चलने वाली है ये तो तुम देख ही ले रहे, लेकिन उससे पहले जैसे ही मैं इस तरफ भाई साहब वो सामने बंदा दिखता है मेरे को, तो यार देखो AKM बस पर तो नामुमकिन था वहां तक। खैर मैंने जो गन स्विच करके मारा और सही में गाइस तुम्हें शायद बंदा दिख भी नहीं रहा हो, लेकिन कसम से ये स्प्रे लाजवाब था। फिलहाल गाइस अब देखो वहां पे रश तो नहीं कर सकते थे, तो फिलहाल मैं थोड़ा फॉलबैक करता हूँ और यहाँ पे ये हील लेने आता हूँ। लेकिन यार ये एक भाई साहब ड्रिंक से क्या ही होने वाला था, तो मैं अपने टीममेट से बोलता हूँ तुम एक काम करो पीछे गाड़ी खड़ी है वो उठा लाओ हम उसे लेके आकर निकलेंगे। लेकिन गाइस निकलने से पहले भाई साहब फिर से मुझे दिखता है सामने की तरफ एक और बंदा और मैंने यहाँ पे इसे नॉक कर दिया है वापस से। अब देखो यार एचपी कुछ खास तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद गाइस हम भाई साहब यहाँ पे अपना मन बदल लेते हैं और चल पड़ते हैं उन बंदों पर रश करने के लिए। अब भर देखने वाली बात ये है वहाँ पे पहुँच के क्या हम एक सेकंड भी टिकने वाले, बिकॉज एचपी कुछ ज़्यादा खास है नहीं हमारी, बट जो भी गाइस हिम्मत थी तो चल पड़े वहाँ की तरफ। अब जैसे ही आए इस तरफ सबसे पहले यहाँ पे एक सोनिक पावर फेंकी ताकि पता चले आखिर यहाँ पे कितने क्या बंदे हैं। और भाई साहब तीन बंदे स्पॉट हुए। अब देखो यार किस्मत इतनी कुछ खास हमारी है तो अच्छी नहीं, लेकिन जो भी है इस ऊपर वाले कंटेनर मेरे को दिख जाती है एक ड्रिंक वापस से, तो मैं वापस उसमें जाता हूँ और वो ड्रिंक को जो पी लगता हूँ। लेकिन इतने में जो लेफ्ट साइड से होता हुआ एक बंदा जो सामने वाला भाई साहब हम पे रश करने चला आता है। फिलहाल जो भी था भाई साहब हमारे चंगुल में फंस गए और फंस फंसा के सीधे लॉबी में मिलेंगे मिस्टर मुंडा। तो फिलहाल इसका खेल तो जो हमारे हिस्से में आ चुका है, लेकिन अब यहाँ पे टीममेट नॉक था और यहाँ पे एचपी मेरी भी कुछ खास है नहीं, तो मैंने जल्दी से यहाँ पे बूस्टर भी लगा था तो वो लगा लेता हूँ और टीममेट को अपने पास ही बुला लेता हूँ ताकि सर्वाइव दे पाऊँ। लेकिन भाई साहब यहाँ पे सामने वाले एनिमी ने सोनिक पावर फेंक दिया, अब उससे हमारी लोकेशन बखूबी पता है। अब यार जैसे जैसे आप इस बंदे को तो मार दिया, लेकिन इतने में भैया एक स्क्वाड की और एंट्री हो जाती है। अब भाई सही में अब तो बिल्कुल बचना नामुमकिन सा है, बिकॉज चार बंदे पूरी स्क्वाड के। फिलहाल यार यहाँ पे मैं थोड़ा सा पीछे फॉलबैक करता हूँ ताकि जो मेरा बूस्ट हो रखा है थोड़ी पावर बढ़ जाए। लेकिन गाइस अब इस सब का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज जो मेरी पहले स्ट्रेंथ थी मेरा टीममेट भाई साहब वो मर चुका है और उसके बाद थोड़ी बहुत तो नर्वसनेस आ ही जाती है। फिलहाल जैसे मैं इस तरफ रोटेशन लेके आता हूँ थोड़ी बहुत हील करने के बाद भाई जब सामने आता है मेरे को एक बंदे का फुटस्टेप और भाई साहब
अबे भाई यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज आता हूँ, बिकॉज मेरे को लेफ्ट साइड से ही फुट साउंड आया और इसके चलते गाइस मैं जो वहाँ पे निपट जाता हूँ। बट सही में भाई साहब काफी देर तक हमने सर्वाइव कर लिया था बिना हीलिंग के, लेकिन जो गाइस अभी हम कुएं थे भैया रोजक, और ये गेम मैं खेल रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, तो मैंने अपने उनसे कहा भैया प्लीज मेरा गेम पे निकलवा दो। तो जैसे तैसे ये लोग हाँ बोल तो देते, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद थी नहीं कि यहाँ से मतलब कुछ भी किल मेरे को मिलने वाले हैं। लेकिन फिर यहाँ पे हम कुएं थे रोजक और यहाँ पे कुछ खास बंदे तो नहीं आए थे, लेकिन उस तरफ साइड से एक स्क्वाड कूदी थी, पर उसका भी जो एक बंदा मतलब मेरे टीममेट ने भर दिया। तो फटाफट जो मैं एक तरफ बढ़ लगता हूँ, बिकॉज हो सकता है वहाँ पे इक्का दुक्का किल मेरे को मिल जाए। और जैसे इस तरफ आया भैया एक बंदा जो इस घर में होता है, खैर कड़ी मदद के बाद हमने जो इस बंदे को भर दिया, लेकिन इतने में तुम देखो सामने की तरफ से इसका एक बंदा और चला रहा है। और इन्हें भी जो हमने फटाफट उसके टीममेट के लिए पहुंचा दिया। फिलहाल गाइस यहाँ पे कुछ खास सफाई तो नहीं है भैया, लेकिन फिर भी जैसे हम निकलेंगे भाई बगल वाले पड़ोसी देश में यानी कि भैया स्कूल अपार्टमेंट में ढेर सारे बंदे कूदे पड़े हैं, और हम जैसे दाखिल होते हैं भैया उनने दिया हमें इन्विटेशन। अबे जैसे ही गाड़ी रोकी भैया फुटस्टेप के सभी तरह समझ में आ चुका है यहाँ पे पूरी लगभग स्क्वाड ही होने वाली है। पर तुम यहाँ पे देखो ये बंदे किस कदर बिखरे पड़े हैं। अब यार यहाँ पे अपार्टमेंट वाली स्क्वाड को सफाया हो चुका है, लेकिन स्कूल वाले बंदे अभी भी नाक में दम करके बैठे हैं। तो जल्दी से लूट वूट करते हैं, चल पड़ते हैं उनकी तरफ रश करने के लिए। लेकिन रश करने से पहले सोचा एक आधी बंदे यहाँ पे दिख जाए तो नॉक कर दें। और गाइस और भाई सब जैसे ही मैंने करा दूसरा बंदा ना भाई फटाफट गाड़ी में बैठा चल पड़ा बंदों पर रश करने के लिए। टीममेट गाड़ी लेके पीछे आ ही जाता है। अब यार 5 किल तो मेरे ऑलरेडी थे ही, लेकिन मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 किल मिला, ये मेरे पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ा। बट जो भी तैयार अब जो भी मिल गया संतुष्ट ही रहना पड़ेगा, बिकॉज जो स्टार्टिंग में मैंने कुत्ते एक बंदा नॉक करा था और ऊपर आके ये दूसरा बंदा भी। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, पबजी वाले सस्ते नशे। लेकिन अभी हम निकल पड़ते हैं वापस से और बंदों की तलाश में, और जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे मैं दाखिल हुए भैया ये बंदे को नॉक करा। अब लगा कि इसका टीममेट जो आसपास होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो वापस से अपनी गाड़ी उठाते हैं और चल पड़ते हैं फिर से और बंदों की तलाश में। लेकिन यहाँ पे अभी तुम देखने वाले हो भाई साहब हमारे टीममेट की खतरनाक सी हैवी ड्राइविंग, और सामने वाली जो स्क्वाड है ना भाई कसम से इन्होंने किस कदर कैम्प कर रखा है, मतलब तुम पूछो ही मत। खैर कार 90 शॉट से मित्र पता चल जाएगा सामने बंदे हैं, लेकिन कहाँ पे है ये तुम खुद अपनी आंखों से देखना। Thank you.
अरे जो नीचे वाले को मारो ना, ठीक यहाँ से आगे लेफ्ट से भाई बचा लो। अगर इस भाई में जो जोश आ गया था और ये नीचे चला आता है और इसके चलते गई जो हमने इसे नॉक करके तुरंत ही फिनिश करा, लेकिन इसको जो बाहरी टीममेट है भैया वो नीचे आने का नाम बिल्कुल भी नहीं लेने वाले और वो भी एंड तक, और उसे मारे कैसे ये तुम देखते रहना। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मेरे पास जो एक ग्रेनेड होता है जो कि गाइस मैं यहाँ पे थ्रो करने की कोशिश करता हूँ और इसके चलते यहाँ पे एक बंदा नॉक तो हो जाएगा लेकिन कोई फायदा नहीं होगा चीज का। अगर बेस्ट हो सकता है यहाँ पे मेरे को एक ग्रेनेड और मिल जाए तो मैं उसे जो फिनिश करने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन इतने भैया मेरे टीममेट को पता नहीं क्या ही जोश आ गया और वो जो है उड़ के जा रहा है इन बंदों पे रश करने के लिए। फिलहाल उससे पहले मैंने यहाँ पे जो एक ग्रेनेड और थ्रो कर दिया, मुझे लगा शायद अगर बंदा यहीं पर वेब दे रहा हो तो क्या पता फिनिश मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। तो खैर जो भी अभी हम जो चल पड़ते हैं थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक लगाने के लिए और गाड़ी लेकर सब रोटेशन लगा चले आते हैं, लेकिन इस बीच भाई साहब यहाँ पे क्या हादसा होने वाला है बस तुम खुद ही देखो। अबे यार पाले ने देख लिया और कल यार साले मैं फेल ले रहा हूँ। अब यार यहाँ तक रिजल्ट तो कुछ नहीं मिला बल्कि उल्टा एक टीममेट सही हो चुका है, लेकिन जो भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करता हूँ खड़ा होता हूँ तभी भाई कितने नॉकआउट कर लोगे, कोई फायदा नहीं चीज़ का जब तक तुम उन पे रश ना करो। फिलहाल कहीं जोन भी आ रही थी तो फाइनली हमने जो अपने टीममेट की बात दिल पे ले ली और चल पड़े इन बंदों पे दुबारी रश करने के लिए। लेकिन तुम यहाँ पे देखो भाई साहब क्या ये रश सक्सेस होगा हमारा, बिकॉज तीनों बंदे ऊपर आ गड़ाए बैठे हम लोगों की तरफ। लेकिन जो भी गाइस अभी हम चल पड़े थे तो पीछे तो हटने वाले बिल्कुल नहीं थे। और भाई सही में मतलब सही में गाइस यहाँ पे उड़ के आके क्या ही रश करके इन बंदों को मारा है, मतलब कसम से अगली बार से मुझे कैंप करने का बिल्कुल नाम तो लेंगे नहीं। लेकिन ये फाइट कुछ ज्यादा ही लंबी चल जाती है बिकॉज जब तक हम यहाँ से जोन में निकलेंगे भाई साहब यहाँ पे जोन में कोई भी नहीं बचने वाला, मतलब रहा था सिर्फ और सिर्फ काफी देर ढूंढने के बाद एक ही बंदा। अब फिलहाल वो एक बंदा कहाँ पे है ये तुम देखो, सामने की तरफ जाती है हम एक बगी स्पॉट और उस बगी के चलते गाइस वहां पे हमें उस लास्ट बंदे की पोजीशन भी पता चल जाती है। ऐसी है इस तरफ ये देखो बंदा भी स्पॉट हो गया है। फाइनली बंदे को जो फिर से भर दिया और हो चुका है एक और विनर विनर चिकन डिनर। तो भाई आपको गेम पे लगा कैसा वो जरूर बताना कमेंट करके, अगर अच्छा लगा तो हिट दैट लाइक बटन, चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, बैठ दिखाओ मैं मिलता हूँ कल पे। लव यू, सेफ एंड कीप सेफ।